तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी एक्सेंस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 31। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बेसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मैनेज रतन कंपनी। ठीक है, मतलब कि ये जो कंपनी है ये इंडियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार के उपक्रम में से एक है। यानी उपक्रम आप मान लीजिए, भारत सरकार के बहुत सारे उपक्रम है जो बेसिल जो में से एक है। ठीक है, तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि ये कोई प्राइवेट जॉब नहीं है, ये गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है। ठीक है, इसमें दो पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, एक है ऑफिस असिस्टेंट और दूसरा है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर। ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपका 200 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। एज की बात करें तो 21 से 45 है। और यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं ऑफिस असिस्टेंट की, यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहने वाली है आपकी ग्रेजुएशन, कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद राइटिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा, उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग ये सारी पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर में आपका नॉलेज होना चाहिए एमएस वर्ड पावर पॉइंट एमएस एक्सेल। ठीक है, और आपका यहाँ पे दिया हुआ है ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑल क्वालिफाइड टाइपिंग टेस्ट फॉर 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी वर्ड 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा इंट्रोडक्शन में। ठीक है, इसका इंटरव्यू होगा, उसमें उसका फाइनल सिलेक्शन लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 178 पोस्ट है, जिसमें आपका 12 पास मांगा गया है। आप ग्रेजुएशन भी अगर किए हुए तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी आप सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट किए हैं तो वो भी आपका आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ बात कर ले टाइपिंग की, यहाँ पे टाइपिंग दिया जाएगा आपका इंग्लिश लेगा 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी आपका 30 वर्ड पर मिनट लिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका 10+2 है यानी कि 12 पास। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें, तो उसमें आपका सैलरी जो होने वाली है वो 25,000 से स्टार्टिंग होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी दोस्तों नोएडा का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोएडा यहाँ पे दिया हुआ एड्रेस। ठीक है, पोस्टिंग आपका कहाँ होगा ये अभी तक इसमें पता नहीं चला, तो यहाँ पे आप इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पे आपको एक लिंक दिया गया है। ठीक है, ठीक है, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 100 KB का होना चाहिए फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पे 5-7 स्टेप से आपको ऑनलाइन प्रोसेस करना पड़ेगा ऑनलाइन अप्लीकेशन के लिए। ठीक है, उससे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट एडसेंस नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद इंटर बेसिक डिटेल्स। ठीक है, थर्ड में आपका है इंटर एजुकेशन डिटेल्स वर्क एक्सपीरियंस। उसके बाद आपको अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट टेंथ सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके एप्लीकेशन को रिव्यू करके एक बार चेक कर लेना, मॉडिफाई कर लेना, उसके बाद सबमिट करना। ठीक है, उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा, नेट बैंकिंग UPI सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, लास्ट में आपका ईमेल वेरिफिकेशन यहाँ पे होगा, मैं ईमेल मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ईमेल के थ्रू आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा तब यहाँ पे उसको ईमेल और SMS के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप एग्जैक्ट एंड सही फ़ोन नंबर और ईमेल डालें। ठीक है, ताकि आपका जब भी सिलेक्शन हो वो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो यहाँ पे ऑनलाइन फ़ी तो यहाँ पे देख लेते हैं, जनरल के लिए 750 है, OBC के लिए 750 है, ST/ST के लिए 750 है, सर्विसमैन के लिए 750 है, वुमेन के लिए 750 है, AWS/PS के लिए 750 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका मतलब है कि दोस्तों अगर आप एक्स्ट्रा वैकेंसी भरते हैं, अगर कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर को छोड़ के दूसरा कुछ भरते हैं, दूसरा वैकेंसी भरते हैं इसी में, या ऑफिस असिस्टेंट भी भरते हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फी लगेगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इजीली बिजली की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आप ईमेल दिया हुआ है, इसका एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केयरफुल भरना है फॉर्म को, उसके बाद आपको अदरवाइज आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, यहाँ पे उसका फॉर्म दिया हुआ है। इस फॉर्म को आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से मेरे जुड़ जाना, वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस फॉर्म को केयरफुल भर के ईमेल कर सकते हैं, या तो आप बाय पोस्ट सेंड कर सकते हैं उसके एड्रेस में, ठीक है। तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन ही करें, ऑनलाइन में आपको बहुत ही अच्छी सुविधा मिलती है, ठीक है। आपको कोई आर्थिक परिश्रम करने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में सिग्नेचर लगेगा, नीचे में सारे डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन से एग्जाम है। तो आई होप कि आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो इंफॉर्मेशन टिप लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ, जॉब से रिलेटेड और टेक से रिलेटेड। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आज तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो की आनंद ले सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।